ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने WFI चुनाव के बाद किया संन्यास लेने का ऐलान। WFI के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह की जीत के बाद वो अब कुश्ती में नहीं करेंगी प्रतिस्पर्धा। बता दें, संजय कुमार सिंह चुने गए हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष। वो पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के हैं करीबी सहयोगी। वहीं मलिक के संन्यास पर कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेना ने दिया बयान, कहा कि ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक का कुश्ती छोड़ना ही कष्टदायक। जिन्होंने विश्व में इंडिया का नाम रोशन किया, जिन्होंने तिरंगे की शान को ऊंचा बनाए रखा, उनका इस तरह संन्यास लेना खल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देश विदेश में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली बेटी को नहीं मिला न्याय। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने WFI चुनाव के बाद किया संन्यास लेने का ऐलान। WFI के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह की जीत के बाद वो अब कुश्ती में नहीं करेंगी प्रतिस्पर्धा। बता दें, संजय कुमार सिंह चुने गए हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष। वो पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के हैं करीबी सहयोगी। वहीं मलिक के संन्यास पर कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेना ने दिया बयान, कहा कि ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक का कुश्ती छोड़ना ही कष्टदायक। जिन्होंने विश्व में इंडिया का नाम रोशन किया, जिन्होंने तिरंगे की शान को ऊंचा बनाए रखा, उनका इस तरह संन्यास लेना खल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देश विदेश में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली बेटी को नहीं मिला न्याय। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने WFI चुनाव के बाद किया संन्यास लेने का ऐलान। WFI के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह की जीत के बाद वो अब कुश्ती में नहीं करेंगी प्रतिस्पर्धा। बता दें, संजय कुमार सिंह चुने गए हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष। वो पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के हैं करीबी सहयोगी। वहीं मलिक के संन्यास पर कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेना ने दिया बयान, कहा कि ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक का कुश्ती छोड़ना ही कष्टदायक। जिन्होंने विश्व में इंडिया का नाम रोशन किया, जिन्होंने तिरंगे की शान को ऊंचा बनाए रखा, उनका इस तरह संन्यास लेना खल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देश विदेश में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली बेटी को नहीं मिला न्याय।